लिखा हुआ है अभ्यास 16B। नीचे दी गई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए। तुम्हें मालूम चाहिए घनाभ का जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है? वो होता है घनाभ का आयतन बी बराबर क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच। ठीक, अब देखो इसमें क्या कह रहा है। एल कितनी लंबाई कितनी है, एल 8। बी कितनी है चौड़ाई, 5। ऊंचाई हाइट कितनी है, 4। तो आंसर इसका क्या हो गया, 8 × 5 = 40, और 40 × 6 = 40 = 4 = 160। क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर 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 दिया, इसलिए एक ही उसमें, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर सेंटीमीटर कुछ चेंज करना है वो चेंज करना नहीं है। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि इसका भी वही सेम करना है, तो लिखो फार्मूला बराबर वही होता है, एल गुणे बी गुणे एच। कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर में, और यहाँ पे दिया गया मीटर में, दिया गया 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक, 100 सेंटीमीटर ये हो गया, अब प्लस के 20 सेंटीमीटर ये हो गया, कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर। अब ये सभी एक राशि में हो गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, एल कितना हो गया 80 गुणा, बी कितना हो गया 40 गुणा 120। अब इसको देखो कितने का, 8 × 32 = 12। तो 12 × 2 = 24, अब 12 × 3 = 36, 36 × 37 = 38। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको क्या लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे घन सेंटीमीटर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क्या दिया गया, इसमें वही सेम लगेगा क्वेश्चन। अब देखो इसमें सेंटीमीटर और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी बराबर क्या होगा, एल गुणे बी गुणे एच। एल कितना हो गया, 14, 8.5 × 5। ठीक, अब इसका पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पॉइंट हटा के 1 लगा देंगे। इसके आगे कितना है, 1 अंक है, तो इसलिए 1 0 लगा देंगे। अब इसको काट देंगे, देखो 5 × 2 = 10, और 2 × 7 = 14, 7 का इसमें गुणा कर देंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, 5 × 3 = 7, 8 = 56, 9 × 3 = 59। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप लिख ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया गया कि लंबाई इतनी दी गई है, चौड़ाई इतनी दी गई, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर ये मीटर में, इसको फिर बदल लेंगे। अब देखो 1 मीटर 100, तो देखो कितना, 0.4 × 100, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदलना, कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब फिर इसको कर लेंगे, फिर वही फार्मूला लगेगा, बी बराबर एल गुणे बी गुणे एच। तो क्या होगा, एल कितना होगा, 1.4 × बी कितना होगा, 0.5, इसका कितना होगा, इसका 40 आ गया। इसको काट लेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे, 1 0 आ जाएगा, इसमें पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, देखो 1 0 से 1 0 उड़ा दिया। अब देखो 5 से काट दिया, तो 5 × 2 = 10, और 2 × 7 = 14, तो 7 × 2 कितना आ गया, 28। ठीक, वो तो लिख ही देना है, अगर सेंटीमीटर जो भी लिखना है इसमें लिख लेना है, घन सेंटीमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दी गई भुजा की माप वाले घनों के आयतन ज्ञात कीजिए। अब भुजा दी गई है हमारे पास, अब भुजा वाले क्या करना है, घनों का आयतन निकालना है। घनों का आयतन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक, ये घनाभो था, ये क्या था, घनों का आयतन। ठीक, तो लिखो यहाँ पे लिखो घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की, अब भुजा देखो कितनी दी गई, 12 दी गई है, तो यहाँ क्या जाएगा, 12 का क्यूब, तो करो 12 × 12 × 12, तो 12 × 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 2700, 1728। ठीक, ये आ जाएगा, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन तो अच्छे हैं, इनको कर पाओ तुम, तो यहाँ कितना आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। अब ऐसे इसका भी सवाल है, इसमें कितना दिया गया है, इसका भी हो जाएगा भुजा क्यूब। अब इसका भुजा कितनी दी, 6.4 का होल क्यूब। ठीक,
अब देखो इसका करें तो यहाँ कितना जाएगा, 6.4 × 6.4 × 6.4, और दसमलव उठाएंगे 0, दसमलव उठाएंगे 0, और दसमलव उठाएंगे 0। ठीक, अब इसको गुणा कर लेंगे। तो देखो 64 64 64 का करेंगे गुणा, कितना आएगा 64 64 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 262144। ठीक, अब इसमें क्या है, ये 1000 हो गया। अब 1000 के बाद कितना लगेगा, 3 अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 262.142 घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है कि ये 7 पॉइंट, तो इसका भी फार्मूला वही लगेगा, सेम फार्मूला भुजा की। तो 7.2 × इसका क्या जाएगा, क्यूब लिख दो आप। अब कर लो 7.2 × 7.2 × 7.2। ठीक, पॉइंट हटाएंगे कितना है, 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, अब पॉइंट हटाएंगे 10। अब इनका बहत्तर बहत्तर का करेंगे, बहत्तर बहत्तर का करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 373 248। अब संग में क्या है, 1000 का ये हो जाएगा, तो इसमें पॉइंट हटाएंगे 3, तो लिखो 373.248, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी घन सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये भुजा वाला, फिर इसका भी करोगे, भुजा का क्यूब 1.3 × 1.3 × 1.3, इसका भी पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसका 13 13 करेंगे तो 13 13 का कितना होता है, 13 13 का कितना होता है, देखो कितना हो जाएगा, 21 97, अब बटे 1000। अब पॉइंट लगाएंगे 3 अंक के बाद, 1 2 3, तो कितना होगा, 2.197, ये क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन लग जाएंगे, कोई डाउट हो पूछ लेना, हमें तो नहीं लग रहा कोई डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है देखो, एक कमरे की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ा तो है नहीं, लिखो यहाँ पे कमरे का आयतन बराबर क्या फार्मूला है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, लंबाई देखो कितनी दी है, 5, चौड़ाई कितनी दी है, 4, और ये कितने दी गई है, ये भी सब मीटर में दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, 3.5, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, देखो 5 दूनी 10, 2 से काटे 2 दूनी 4, मतलब 35 दूनी 70, 70 क्या है, घन मीटर, इस तरह से आंसर हो जाएगा ये। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दो घनाकार वस्तुएं जिनकी कोरें क्या क्रम से 2 4 दी गई, इनके आयतनों b1 b2 में संबंध अनुपात क्या, सिंपल से क्वेश्चन है, b1 बराबर क्या दिया गया बस, तो घनों का आयतन क्या होता है, स्क्वायर भैया स्क्वायर, तो देखो इसमें क्या दिया गया, 2 का, तो यहाँ पे लगेगा 2 का क्यूब, और b2 बराबर क्या दिया गया, 4 का क्यूब, 4 दिया गया, तो इसका आयतन के अनुपात पूछ रहा है, तो लिखो b1 अनुपात b2, इसका क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब अनुपात जिन कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 अनुपात, और 4 चौक 16 चौक 64, तो देखो 8 एकम 8, 8 2 64, अनुपात कितना आ गया, 1:8, ये क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है एक मैदान की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई इतनी है, तो यदि मैदान पर 50 मीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि मैदान में कुल कितने लीटर पानी है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो पहले निकालेंगे पानी का आयतन, क्या निकालेंगे, पानी का आयतन, देखो क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच, एल हमारे पास कितना है 40, फिर कितना चौड़ाई 15 है, और ऊंचाई कितनी दी गई है, हमारे पास कितनी दी गई 40 चौड़ाई है, और हमारे पास ऊंचाई कितनी दी गई, देखो तो ज्ञात कीजिए, इतने 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 भी दिया गया है। ठीक, चलो भाई, तो देखो हम क्या कह दिया गया, यहाँ पे 50 मिमी वर्षा हुई। ठीक, ये मतलब ये ऊंचाई तक हुई, तो 50 का यहाँ पे क्या करें, मिमी को हम निकालेंगे इसमें मीटर में, तो कितना आ जाएगा, 1000, और 1 5 1 0 से कितना आ जाएगा, 5 बटे, तो हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, h 100। ठीक, जब 100 आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, सो काट देंगे, तो देखो
काट दो उसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, अब 20 दूनी 40, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 घन मीटर। अब क्या कह रहा है, देखो घन मीटर आ रहा है, तो लिखा हुआ है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर। देखो देखो, 1 घन मीटर बराबर कितना है, 1000 लीटर। अब हमारे पास हुई वर्षा कितनी, 30 गुणे 1000, तो कितना हो जाएगा, देखो घन मीटर हो गई, तो यहाँ पे कितना लीटर हो गया, इसको लीटर बना देंगे हम, तो यहाँ 30 गुणा कितना हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएंगे, 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीटर में गला, लीटर इतना हुआ। ठीक, इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरह से इसका लीटर निकल आएगा। अब कह रहा है कि एक ईंट की लंबाई चौड़ाई क्रम से इतनी इतनी दी गई है, तो उनको ऊंचाई तो बनाने कितने ईंटें लगेंगे। अब देखो यहाँ वैसे लिखो, ईंटों की क्या निकालने है, करने को संख्या निकालने है। संख्या बराबर क्या होता है, ये पहले निकालो दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। ठीक, अब देखो इसमें क्या दिया गया, दीवार का आयतन कितना दिया गया, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पास क्या दिया गया, दीवार का आयतन कितना दिया गया है, समझो एक ईंट की इतनी 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 दिया गया, 1 5 मीटर लंबी, और ये अब 5 मीटर दिया गया, मीटर दिया गया, और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया, तो 5 को हम क्या बना लेंगे, पहले मीटर से सेंटीमीटर बना लेंगे, दीवार का लेना हमें क्योंकि ये दीवार ही है नीचे वाली। तो देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का हो जाएगा 500। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, 3.5 दिया गया है, तो यहाँ पे इसका भी कितना हो जाएगा, 350, अब इसका कितना हो जाएगा, 330 बटे, अब इसका ले लो कितना दिया गया, 25 गुणे 10 गुणे 75। ठीक, पॉइंट हटाएंगे, 33 था यहाँ पे, तो 1 पॉइंट ऊपर चला गया, अब इसका देखो दिया ही गया है। अब हम इनको काटा पीटी कर लेंगे, देखो कैसे कैसे कटना, देखो यहाँ पे देखो 25 गुनी 50। ठीक, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब 75 था, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 15 75, अब 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो देखो 5 काट दो, 5 75 35, ये 70 हो गया। अब इनका गुणा कर लो, अब देखो इनका इनका गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14 140 गुणे 22, अब 22 कैसे कर लो, तो 22 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 2 30, ये इतना कितनी ईंटें आ जाएंगी, इतनी ईंटें आ जाएंगी, ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अगर घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन इतना दिया गया, इतने इतने सेंटीमीटर हो, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम पहले निकालेंगे घनाभ, तो घनाभ का पहले निकालेंगे, लिखो घनाभ का आयतन निकालेंगे, वो हमें दिया गया है, कितना दिया है घनाभ का आयतन, कितना दिया है 264 दिया गया है। ठीक, अब घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच बराबर कितना दिया 264। अब देखो एल बी एच कितना दिया गया, देखो टुकड़ा 8, लिखो 8 गुणे 6 गुणे चौड़ाई, इसकी ज्ञात करनी, इसकी एच ज्ञात करनी थी, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 264 बटे 8 गुणा 6। अब इसको काट पीट देंगे हम, काट दो भैया, तो देखो पहले 8 से काट दो, 8 3 24 8 3 24, और यहाँ का 6 का भाग दे दो उसमें, तो क्या 56 30.56 30, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसकी ऊंचाई निकल आएगी, वो भी किसमें निकल आएगी, सेंटीमीटर में। ठीक, इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि लकड़ी के घनाभ का आयतन इतने 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 दिया गया है, तो उसकी इतने इतने सेंटीमीटर बता गुटके बना सकते हैं। देखो गुटकों की संख्या निकालनी, जैसे दीवार निकाले वैसे निकालो, गुटकों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, सीधी बात है, क्या हो जाएगा, लकड़ी का आयतन निकाल लो बटे गुटके का आयतन निकाल लो, गुटके का आयतन निकाल लो, अब कितना सिंपल हो जाएगा, देखो लकड़ी का आयतन कितना आया, देखो ये दिएगा 75 15 5, तो लिख लो यहाँ 75 15 5, अब गुटके का आयतन निकाल लो, 15 3 1, तो लिख लो
15 3 1। अब देखो यहाँ पे देखो दिया क्या आ गया, अब उसको कर लेते हैं, चलो उसको काट लेते हैं। देखो 3 5 15, सीधी बात है ठीक। अब 15 हो गया, अब 5 हम क्या करेंगे, 5 को फिर काट लो, 5 3 15, 3 से काट लो, 3 2 6, 3 5 15, अब 25 5 कितना हो गया, 125, यही आ गया, 125 टुकड़े बनाए सकते हैं ठीक। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक भूमिगत जल संरक्षण वर्षा है, तो जल संरक्षण के लिए क्या एक आवासीय परिसर में कच्ची जमीन पर 5 मीटर 3 मीटर लंबा चौड़ा गड्ढा बनाया गया, बताइए उस गड्ढे में अधिकतम कितने लीटर पानी आ जाएगा। चलो देख लेते हैं। तो देखो गड्ढे का पहले निकालेंगे क्या आयतन, देखो गड्ढे का आयतन बराबर क्या होता है, फार्मूला भी लगाएंगे तो क्या है दिया गया, देखो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, 5 3 और 1.5, इसको हम कटाएंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ से काट लेंगे इसको, 5 2 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 3 45/2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 तो 5 10, कितना घन क्या में दिया गया, ये मीटर में दिया तो यह आ जाएगा घन मीटर में, गड्ढे का इतना आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, पानी की क्षमता निकालनी है, पानी कितना आ गया, पानी की क्षमता बराबर क्या होता है, हमारे पास घन मीटर कितना आ गया, 22.5। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो 1 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 लीटर, सीधी सी बात है, तो इतना है तो किसको कितना कह रहा है, 1000 लीटर पे ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे 10, 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22.5, ये हमारा इतना लीटर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यूं कह रहा है कि एक घनाकार पानी की टंकी है ठीक, अब घन कह रहा है कि उसके भीतरी इतने इतने माप दी गई है, तो टंकी का क्या है 9/5 भाग भरा हुआ, इसके अंदर के जल के प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने के प्रत्येक 1000 लीटर पर 10 रुपया खर्च आता है, बताइए कि टंकी के संपूर्ण जल को शुरू करने में कितना व्यय होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहले निकालेंगे घनाभ टंकी का, पहले आयतन निकालेंगे, लिखो घनाभ की टंकी का आयतन निकालेंगे ठीक, कितना हो जाएगा, देखो क्या दिया, 5 × 4 × 3 दिया गया ठीक, तो कहना 5 × 20 20 60, ये निकल आया घन मीटर, क्योंकि मीटर में ही दिए गए ठीक। अब कह रहा है पानी की क्षमता कितनी आती है, देखो पानी की क्षमता बराबर कितना आ जाएगा, इसमें क्षमता कितनी आती है, देखो क्षमता निकालनी है, तो इसमें हमें क्या दिया गया, 60 60 निकल गया, अब उसमें क्या कह रहा है लीटर आता तो 1000 का उसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लीटर, 3 0 ये बढ़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 21 22 1000 10000 60000 लीटर ठीक। अब हमसे क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि उसमें भरने के लिए क्या है 10 रुपये खर्च आता है, उसमें शुरू करने के लिए कितना व्यय होगा ठीक। तो हम देखो इस प्रकार के हैं, तो उसमें जल कितना भरा, देखो उसमें टंकी में जल इतने भाग भरा है ठीक, तो निकालेंगे भाग, तो लिखो भरा जल बराबर, भरा जल बराबर कितना है, इतना कितना करे 9/10 भाग, 9/10 भाग ठीक, इससे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब 6 9 54 हो जाएगा, 54 कितना लग जाएंगे, 3 0 लग जाएंगे, तो इतने लीटर तो ये भरा हुआ जल है। अब यूं कह रहा है देखो उसमें, अब कह रहा है कि उसमें अगर 1000 लीटर पर क्या हो रहा है 10 रुपये का खर्चा आता है, तो बताइए संपूर्ण करने में कितना व्यय लगेगा। अब देखो यहाँ पे लिखो बे बराबर क्या होता है, देखो हमारे पास बे कितने पूरा है 54 पे, लिख दो यहाँ पे 54 पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 54 तो ये है, अभी संगम क्या है 1000, सीधी कह रहा है 1000 लीटर पे क्या हो रहा है 10 रुपये खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 54 × 1000 कितना हो रहा है 10 रुपये खर्च हो रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 540, तो ये कितना हो जाएगा 540 आंसर आ जाएगा, बे कितना हो गया 540 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक। इस तरह से क्वेश्चन हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट हो उसको पूछिए। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कैसा हो जाएगा, दी एंड। तो इस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट हो वो पूछें ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो आपको पूरी जानकारी इसकी दी जाएगी ठीक है।